तो फैमिली अम्मा जी बढ़िया मसाला पीस रही हैं और आज मटर का निमवाना बनाने वाली हैं अम्मा जी, है ना अम्मा जी? और देख लीजिए बढ़िया ऐसे मसाला पीसना चाहिए सिलसिले ताकि खाने में अच्छा स्वाद आए। और पूरा रेसिपी आज दिखाते हैं कैसे निमवाना बनाते हैं। ओके तो फैमिली अम्मा जी का मसाला पिस गया है, अम्मा जी मसाला उठा रही हैं और ये देखो मसाला उठा के रख लिया अम्मा जी ने कटोरी में। दिखा देते हैं आपको, मसाला ये रखा है कटोरी में अम्मा जी का, ये रखा है देख लीजिए। और ये डालेंगे उसमें, अभी और मसाला भी डालेंगे क्यों अम्मा जी? तो फैमिली अम्मा जी आज निंगवाना बनाने वाली हैं और उसके लिए दाने आने छील रहे हैं, लहसुन छील लिया है। अब क्या करोगे, लहसुन में मसाला बांट रहे हो अम्मा जी? तो के लिए। अच्छा, ये छौंकने के लिए छील रहे हो लहसुन। और ये निंगवाने का मसाला पीस लिया है, दाने रख सकते हो फैमिली। अम्मा जी अब मटर के दाने पीस रही हैं क्योंकि निंगवाना बनाने के लिए मटर का दाना भी पीसना पड़ता है। ये देखिए सारे के सारे डाल दिए हैं, आप पीसेंगी। हाँ तो निंगवाना खा लेना ना भैया, आप क्या पर सकते हो फैमिली। ये लड़का अभी से निंगवा फैमिली, ये मेरा भांजा मारभोको की तरह से निंगवाना खाने लगा, दाने खाने लगा है। कह रहा है निंगवाना तो बाद में खाएंगे, पहले दाना खाना है हमें। ये देखिए अब अम्मा जी उधर मढ़िया मसाला पीस रही है और निंगवाना के लिए मटर पीस रही है। आगे आगे देख सकते हो भैया, अम्मा जी का मसाला पीस चुका है, अब उठा रही है। निंगवाना के दाने पीस चुके हैं, अभी उठा रही है ऐसे ही, उठा के रख लिए देखिए कटोरे में। ये देखिए फैमिली बढ़िया रख गया है सारा सामान। अब इसके बाद क्या करोगे अम्मा जी? अब छोंक। स्वागत है आपका इंडियन फैमिली ब्लॉग में। जैसा कि हमने बोला था कि आपको निंगवाना का पूरा रेसिपी दिखाएंगे, तो देख सकते हो हमारी अम्मा जी निंगवाना बना रही हैं। तो हम आपको पूरा रेसिपी दिखा देते हैं। तेल डाल दिया है कढ़ाई में और सब कुछ दिखाते हैं। तेल डल चुका है बढ़िया। और ये देखिए, ये मटर पीस के रख दिया, ये टमाटर रखे हुए हैं और ये मसाला साला रखा हुआ है, पिसा मसाला रखा हुआ है इस कटोरी में, क्योंकि इसमें मसाला कम लगता है, ज़्यादा मसाला नहीं डालना होता, क्यों अम्मा जी? तो ये सारा मसाला हो गया। मिर्च डाल देंगे, जैसे भगाते हैं मिर्च डाल दिया है। और ये लहसुन डाल देंगे बटा, और ये हरा मसाला रखा है पिसा, ये भी थोड़ी देर में डाल देंगे जब ये लहसुन लहसुन हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या डालोगे अम्मा जी? टमाटर। उसके बाद फिर फैमिली ये टमाटर डालेंगे अम्मा जी। ये है टमाटर, ये देखिए थोड़ा हल्दी मिर्चा, ये मसाला पिसा रखा हुआ है, थोड़ा डाल देंगे। तो देख लीजिए बढ़िया पूरा का पूरा मसाला बन रहा है सब्जी। अब ये देखिए थोड़ा सा ये लाल मिर्च क्यों डाल रहे हो उसमें? लाल मिर्च भी डालोगे अम्मा? बाँट तो लिया था आपने। अच्छा वो धनिया, अच्छा धनिया थी। हाँ तो ये देखिए, और ये मसाला डाल दिया है। अब अम्मा जी बना रहे हैं पूरा का पूरा बढ़िया, देख लीजिए। अरे थाली में रखा, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है अम्मा जी। मज़ा आने वाला है खाने में, जिसको भी फैमिली खाना हो तो आ जाइए। अब देख सकते हो अम्मा जी टमाटर डाल रही हैं इसमें, ये देख लीजिए टमाटर डाल दिए हैं, ये देख लीजिए टमाटर डल चुका है। और जैसा कि देख सकते हो टमाटर डलने के बाद ऐसा दिख रहा है बढ़िया। और अम्मा जी का बढ़िया सब्जी बन रहा है, सॉरी सब्जी नहीं है, निंगवाना है, क्योंकि निंगवाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अम्मा जी बता रही थी पापा जी को निंगवाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है अम्मा जी? हाँ, क्योंकि पता है ये खाने में बहुत सौंधा लगता है, मतलब अच्छा स्वाद आता है, मज़ा आता है, लगने लगता है यही खाओ। और ज़्यादा मसाला वगैरह भी नहीं इसमें डलता है ना अम्मा जी? तो देख सकते हो फैमिली ऐसे बनाते हैं। अब इसके बाद क्या डालोगे अम्मा? वो बटा हुआ चना डाबू डालोगे मटर? हाँ हाँ, इस गर्मियों के सीज़न में पापा जी हैं को रोज़ लगते थे अम्मा जी कह रही निंगवाना बना दो, अच्छे लगते हैं। तो देख सकते हो फैमिली बढ़िया बन रहा है सारा कुछ। अब इसमें ये जब बन जाएगा तो फिर इसमें मटर डालना है पिसा हुआ। मटर डालने के बाद फिर अम्मा जी क्या करोगे? हाँ, अब इसको ये मसाले में भूंजेंगे बढ़िया, पकाएंगे। ये देखिए पक रहा है, तो देख सकते हो आप लोग। और अम्मा जी आपका आगे बुझ रहा है, आगे थोड़ा वो कर लीजिए। और बढ़िया ये देखिए पक रहा है बढ़िया। नमक वमक डाला अभी? तो नमक और बता दीजिए कितना डालना है। वो रखा है उस डिब्बे के सामने तेल के, उस तरफ रखा है उस तरफ। तो ये देखिए
एक जरूरत के हिसाब से नमक डाल लीजिए, वरना एक चम्मच डाल रहे हैं हम, मतलब फुल चम्मच, और आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। जो वो वाला होता है डरिया वाला नमक, वो सही रहता है, ये नमक चटक रहता है थोड़ा। और देख सकते हो बढ़िया अम्मा जी का बढ़िया बन रहा है शुद्ध चूल्हे में बढ़िया भोजन, और जब बन के तैयार होगा तो बहुत मज़ा आने वाला है खाने में। तो जिसको जिसको फैमिली आना हो तो बढ़िया अपना थाली आली लेके आ जाइएगा और खाना यहीं मिल जाएगा, क्यों अम्मा जी? तो आप लोग बढ़िया बैठ के खाइए निंगवाना। और ये बताइए बहनों, किसने किसने खाया है निंगवाना? काफ़ी सारे लोग जो शहर में रहते हैं उन्होंने नहीं खाया होगा, तो ये गांव का शुद्ध सब्जी है और ऐसी सब्जियां बनती रहती हैं बढ़िया। अभी अभी क्या करने वाले हो अम्मा जी? अच्छा पानी डालोगे, हाँ तो देख सकते हो जैसा फैमिली ये पक जाए ऐसे भुन गया है पूरा, ये देखिए अब इसमें पानी डालेंगे। कितना डाल रहे हो अम्मा जी? अपने हिसाब से डालना है ताकि ज़्यादा पतला ना हो, है ना अम्मा जी? ये अम्मा जी ने एक लोटा पानी यानी कटोरे में भर के डाल रही हैं, इसी में वो रखा था ना निंगोना। अभी थोड़ा और डालोगे क्या? हो गया, तो देख सकते हो अम्मा जी ने इतना पानी डाला, ये ऐसा बढ़िया बन गया है तली जैसा, तो बढ़िया। जैसा कि देख सकते हो फैमिली, अम्मा जी का निंगवाना बन चुका है, क्यों अम्मा जी? तो जिसको जिसको भी खाना हो तो आप लोग आ जाइए, बढ़िया मस्त और मस्त स्वादार बनने वाला है खाना आज का। तो बुलाए बोल लीजिए मेरे सभी को, आइए सबको निंगवाना खा लीजिए। अम्मा जी बोल दीजिए सारी बहनों को कि आके निंगवाना खा लीजिए, बोल दीजिए। आइए सब लोग निंगवाना खा लीजिए फैमिली ब्लॉग से। ओके राधे राधे बहनों, राधे राधे। देख सकते हो फैमिली अम्मा जी का मस्त आगे बढ़ रहा है बहुत तेज, देख सकते हो अम्मा जी का बढ़िया बन रहा है खाना। और माही हमारी आ गई है, क्या है माही? कछु नहीं, कछु नहीं? तो अब इसको क्या करोगे, कितनी देर में पकाओगे? अच्छा थोड़ा 5 मिनट पकाना है बस, उसके बाद ये पानी यानी अच्छे से पक जाए थोड़ा सा, और ज़्यादा गाढ़ा ना होने पर, पतला रहना चाहिए, ज़्यादा पतला भी ना रहे, तो आप उसको अब उतार लेंगे। इधर देख सकते हो मेरा भांजा साकेत और माही बढ़िया टीवी देख रहे हैं, साकेत मोबाइल चला रहा है। अच्छा लूडो खेलना है? किसको खेलना है लूडो? तुमको खेलना है लूडो? अच्छा निंगवाना बन गया, नानी से मंगा लो, खाना नहीं है क्या? खाना है, वो मोबाइल वो कर रहे हैं, पहले वो पहले जत्ता क्या चाहिए? निंगवाना? हाँ हाँ मिल जाएगा। देख सकते हो भैया माही आ गई है खाने के लिए, कह रही है नानी हमें दो। और ये साकेत बैठा है बढ़िया, आपको भी चाहिए? हाँ देख सकते हो भैया अम्मा जी का पक गया है निंगवाना, अब उतार रही हैं अम्मा जी कढ़ाई, ये देखिए उतार के रख दिया है, और ये देखिए और माही बैठ गई है। क्या वही वही खाओगे क्या? कुछ खाने के लिए रोटी वोटी ले लो साथ में, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? शेरपा लग रहा है बढ़िया। देखिए एक बन चुका है साकेत बैठा है, कहाँ खोए हुए हो भैया, किसकी ख्यालों में आँख हो गए हो? जो साकेत ले, ले माही ये ले।